नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ होने के बाद लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं और फिर दफ्तर का औचक निरीक्षण करते हैं। बता दें आपको कि तमाम मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से आज नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस क्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के चेंबर में भी पहुंचे मुख्यमंत्री, लेकिन वहां ललन सिंह मुख्यमंत्री को नहीं मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर से बाहर निकलते हैं और फिर उनकी गाड़ी 10 मिनट तक जाम में फंस जाती है। दरअसल आज भाजपा का कार्यक्रम होना है और ठीक जेडीयू के बगल में पटना के मिलर हाई स्कूल में भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाम में फंस जाते हैं। बता दें आपको कि जेडीयू ऑफिस से निकलने के बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी करीब 10 मिनट तक जाम में फंसी रही। इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे जवान गाड़ी को जाम से निकालने की कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद जाम से मुख्यमंत्री की गाड़ी को निकाला गया। जेडीयू कार्यालय के ठीक पीछे मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में भाजपा का अंबेडकर समागम कार्यक्रम चल रहा है। इस वजह से सड़क पर बड़ी संख्या में गाड़ियां और लोगों की भीड़ जुटी है। इस भीड़ की वजह से मुख्यमंत्री के काफिले को बाहर निकालने में इंतजार करना पड़ा। बता दें आपको कि जब मुख्यमंत्री जेडीयू कार्यालय पहुंचे, तब मंत्री शीला मंडल और मदन सहनी कार्यालय में उपस्थित रहे। फिर नीतीश कुमार ने मंत्रियों से बातचीत कर निकल गए। शीला मंडल ने बताया कि यह हम लोगों का पार्टी ऑफिस है और हमारे घर के वो हेड है। मुख्यमंत्री अपने परिवार में आए और हम लोग उपस्थित थे। बाकी जो लोग आ रहे थे वो रास्ते में फंसे हुए थे, वो काफी खुश होकर यहाँ से गए हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अपने मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं और आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं और फिर दफ्तर का औचक निरीक्षण करते हैं। कौन नेता आया कौन नहीं आया इसका भी जायजा लेते हुए नजर आए। इस क्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पाटी दफ्तर में मौजूद नहीं रहे। हालांकि शीला मंडल और मदन सहनी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की और फिर बातचीत भी हुई, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जाम में तकरीबन 10 मिनट तक फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी को बाहर निकाला गया। तो क्या कुछ खबर था देखा आपने इस रिपोर्ट में। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।